हेलो, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं विटेल्टा कप T20 में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। वैसे सेकंड लास्ट मुकाबला है। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि भैया ये मुकाबले के बाद एक और मुकाबला होगा जो फाइनल माल्टा और सिंगापुर के बीच में आपको खेलता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पर अभी के लिए गिब्राल्टर और बल्गेरिया के बीच में मुकाबला होने वाला है। कल भी ये दोनों टीम्स एक एक मुकाबला खेली हैं एक दूसरे के खिलाफ। वहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस GIB की रही। बल्गेरिया अपने तीनों के तीनों मुकाबले हार कर आई और GIB की टीम अपने तीन में से एक मुकाबला जीत कर आई। दो मुकाबले अपने हार कर आई है। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस अभी के लिए बल्गेरिया की टीम की रही नहीं है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले अभी तक अगर आपने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का श्रीलंका और बांग्लादेश की वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई सेक्शन में जाओ और वो वीडियो देख कर आओ। वहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले के बारे में मिल जाएगी। मैच की अगर आप बात करो, GIB और बल्गेरिया के बीच में 7th मैच आपको लाइव देखने को मिलेगा 24 अक्टूबर, मतलब आज के दिन 1:30 बजे आपको ये मैच मार्सा स्पोर्ट्स क्लब माल्टा में आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। पिछले 5 मैचेस के स्टेटस की अगर आप बात करो तो गिब्राल्टर पहला मुकाबला, मतलब पिछला वाला मुकाबला अपना जीतकर लगातार अपने मुकाबले हार कर आए हैं। और अगर बल्गेरिया की अगर आप बात करो, पिछले पांचों के पांचों अपने T20 मुकाबले हार कर आए हैं। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, मार्सा स्पोर्ट्स क्लब माल्टा में आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली है और पिछले कुछ मुकाबलों में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर गए हैं। और उसके बाद अगर आप देखो तो हाई स्कोरिंग एनकाउंटर आपको देखने को मिलेगा। वेदर अभी के लिए सीमर बॉलर को बहुत बढ़िया फेवर करने वाला है। वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करो तो माल्टा के लिए फोरकास्ट की अगर आप बात करो, पार्शियली क्राउडेड रहने वाला है। 16% चांसेस है रेन के, 83% ह्यूमिडिटी, 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है। और अगर आप फैंटेसी टिप्स की अगर आप बात करो तो वेदर कंडीशन सीमर्स को बहुत ज़्यादा फेवर करने वाली है। बल्गेरिया की अगर आप बात करो, बैक टू बैक अपने लगातार तीनों मुकाबले हार कर आए हैं, बट लकोव ने दूसरे मुकाबले में 80 रन के साथ एक विकेट, GIB के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहाँ पर इसने एक विकेट भी चटकाई, 80 रन की पारी भी खेली। अगले मुकाबले में 20 रन की पारी, सुलेमान अली 4 रन के साथ 2 विकेट, 3 रन के साथ 2 विकेट, प्रकाश मिश्रा 4 रन और 2 रन, बैक टू बैक दोनों मुकाबले फ्लॉप रहे। उसके बाद एडी सिल्वा 42 और 15, 42 रन GIB के खिलाफ इसने करे। उसके बाद अगर आप देखो, उमर रसूल 18 और 63 रन, फिर उसके बाद केविन डिसूजा 20 और 18 रन। केविन डिसूजा ने बढ़िया परफॉर्म करा है GIB के खिलाफ भी और उससे अगले मुकाबले में भी। एल्बिन की अगर आप बात करो, 19-0 और 2, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है एल्बिन जैकॉब की। एहसान खान 1 रन के साथ 1 विकेट और 16 रन। उसके डी वेनू 1-1 विकेट आपको ला कर देकर गया है लगातार मुकाबलों में। और अगर आप देखोगे तो एंड्रू लिलोव आपके पास है, लिलोव ने इतना बढ़िया परफॉर्म आपको कर दिया नहीं है। एहसान खान 3 ओवर में 1 भी विकेट नहीं स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। हरिसोतो लकोव 4 ओवर में 1 भी विकेट नहीं स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। सुलेमान अनी 3 ओवर में 2 विकेट, प्रकाश मिश्रा 4 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, एल्विन जैकॉब 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, डी वेनू 1 ओवर में 1 विकेट। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है डी वेनू की, आप आराम से डी वेनू को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो गिब्राल्टर की अगर हम बात करें, बैक टू बैक आपके लिए मुकाबले दो हार कर आए हैं, एक मुकाबला अपना जीत कर आए। 217/4 बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। बालाजी पाई 17 रन के साथ 2 विकेट, 14 रन, 107 रन बैक टू बैक आपको परफॉर्म कर देकर गया। और एक लुइस ब्रूस, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बॉलिंग भी करवा कर देकर जाएंगे, बैटिंग भी कर देकर जाएंगे, बैक टू बैक आपको बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा सकते हैं। फिल की अगर आप बात करो, 45, 5 और 10, जेम्स 17 रन 1 रन के साथ 2 विकेट। उसके बाद यहाँ पर कैस्टर नेस्टोर की अगर आप बात करो, 1-1 विकेट आपको ला कर देकर गए। इनका पिछला वाला मुकाबला बल्गेरिया के खिलाफ था, वहाँ पर इन सारे प्लेयर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा है। डैनली की 6 रन की पारी, उसके बाद हैचमैन के 0, नीचे अगर आप आओगे तो 1 विकेट चटकाई। हैरिसन ने पिछले मुकाबले में लगातार बैक टू बैक आपको विकेट लाकर देकर गए हैं। अब अगर आप नेस्टर की बात करो, 4 ओवर में 1 विकेट स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। जेम्स 4 ओवर में 2 विकेट स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। लुइस ब्रूस 4 ओवर में 1 विकेट, चार्ल्स हैरिसन 4 ओवर में 1 विकेट, जोसफ की अगर आप बात करो, 4 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है जोसफ माल्स की। बट आप जोसफ माल्स को ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में नहीं। सबसे पहले अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे, प्लस साथ में प्लेयर्स डिस्कस कर लेंगे, जोन जोन से प्लेयर इस मुकाबले में आपको बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास एल कोलाडो इतना बढ़िया पिक नहीं है, क्योंकि आपको बैक टू बैक इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर देकर गया, नीचे आ रहा है बैटिंग करने के लिए। बट ओ रसूल ऐसा प्लेयर है भैया जो आपको बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा रहा है, कैचिंग भी कर देकर जा रहा है, बैटिंग भी कर देकर जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसकी सिलेक्शन 96% है। बैटिंग सेक्शन में बी पाई भी बॉलिंग करवा रहा है, बैटिंग करवा रहा है, सलीब भी बॉलिंग करवा रहा है, बैटिंग करवा रहा है। एडी सिल्वा सिर्फों से बैटिंग कर रहा है, प्लस
कुछ कैचेस, और उसके बाद अगर आप देखो केन एस्टर की जगह अगर आप पी रीक्स को रखना चाहते हो वो भी आपके लिए बढ़िया पिक है। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए, या तो दोनों अगर आप रख सकते हो किसी ऐप में, जैसे बॉलिंग सेक्शन में से आप एक खान को ड्रॉप कर यहाँ पर आप पी रीक्स को अगर रख सकते हो किसी ऐप में तो वो चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। यहाँ पर बॉलर्स आपके पास इतने नहीं है जहाँ से आप ट्राई कर सको कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। के डिसूजा सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, ग्रैंड लीग के लिए एक बहुत बढ़िया पिक है। सी डेनली के यहाँ पर पॉइंट्स इतने ज़्यादा क्यों हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस रही और उसके बाद कैचेस ज़्यादा करें, इस वजह से यहाँ पर सी डेनली की यहाँ पर सिलेक्शन मतलब पॉइंट्स ज़्यादा हैं, सिलेक्शन कम है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर एलब्रूस एच लकोव, ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे जे फिजग्लैंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिजग्लैंड की जगह अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर पी रिक्स या नहीं तो आप यहाँ पर केविन डिसूजा को पिक करना चाहते हो तो ये चीज़ आप कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। पी मिश्रा वैसे बॉलिंग करवा सकता है, आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी आप पी मिश्रा को ट्राई नहीं कर पाओगे। ए जैकॉब आपके पास है, ए जैकॉब को ट्राई करना चाहते हो बट वो बहुत बड़ा रिस्क है। पी हैचमैन, ए जैकॉब ये बहुत बड़े रिस्क हैं। सेफ रिस्क के साथ जाओगे तो यहाँ पर पी मिश्रा आपके लिए एक सेफ रिस्क आता है। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास ए खान, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया खान को आप ड्रॉप कर सकते हो। सी हैरिसन और डीवीनो इंपॉर्टेंट पिक है क्योंकि पहले मुकाबले में इसने विकेट चटकाई, पिछले मुकाबले में विकेट चटकाई, वैसे अगर आप देखोगे तो पिछले मुकाबले में सेफो से फेंक ही ओवर करवाया। उसके बाद अगर आप देखो तो आई कजरासी आपके पास है, उसके बाद जे माल्स जैसे मैंने आपको बताया इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अभी तक के लिए। और ए लिलोफ की अगर आप बात करो, ए लिलोफ अपनी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में नहीं। ऊपर आई सेक्शन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी कौन सी श्रीलंका और बांग्लादेश की सबसे पहली टीम की अगर आप बात करो। बी पाई एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी एल ब्रूस, उसके बाद के नेस्टर, एडी सिल्वा, एस अली और रसूल, एच लकोव, जे फिजग्लैंड आपके पास है, डी वीनू, सी हैरिसन और ए खान। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर चेंजेस क्या क्या कर सकते हो, के नेस्टर को ड्रॉप कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये टीम ही आपके लिए कॉमन टीम है, इसके अलावा और कोई टीम बनती हुई यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। यही टीम होगी जो नॉर्मली आप जिसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चेंज करोगे। एक में क्या कर सकते हो आप, एल एच लकोव को एज अ वाइस कैप्टन, क्योंकि पिछले मुकाबले में एच लकोव ने इसी टीम के खिलाफ बढ़िया परफॉर्म करें, या तो एस अली को एज अ वाइस कैप्टन, ठीक है, क्योंकि एस अली भी आपको बैक टू बैक दो दो विकेट ला करके देकर गया पिछले दो मुकाबलों में। फिर उसके बाद एल ब्रूस कैप्टन कर सकते हो और वाइस कैप्टनसी बी पाई, तो ये भी आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चेंज कर सकते हो। एक चीज़ और कर सकते हो, एयान खान, वैसे इस प्लेयर ने विकेट लिया इसीलिए जाए तो प्लेयर एयान खान को पिक कर रहे हैं, आप इसको ड्रॉप करके एक कजराची को पिक कर सकते हो, नहीं तो जे माल्स ने पिछले मुकाबले में 4 ओवर अपने कंप्लीट करवाए हैं, परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रही बट स्टिल आपके लिए एक ऐसा प्लेयर है जो शायद आपको विकेट ला कर देकर जा सकता है। और रसूल, केन एस्टर, फिर उसके रेडी सिल्वा और एस अली। केन एस्टर की जगह जैसे मैंने आपको बताया 2-3 प्लेयर्स हैं जिन्हें आप जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ऐसे एक पी रिक्स का ऑप्शन है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। फिजग्लैंड की सिलेक्शन ज़्यादा है क्योंकि इसने विकेट भी चटकाई है, कुछ रन भी आपको लाकर देकर गया। फिर उसके डीवीनो, सी हैरिसन और ए खान। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर आई सेक्शन में आपको श्रीलंका और बांग्लादेश की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर देगा, बेल आइकन दबा देगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।